अभी धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हिरन मिनार है और हम आए हुए हैं शेखुपुरा में। और इसकी हिस्ट्री ये है कि हिरन मार गई थी इसी। ये है उसामा, उसामा भट्ट। हमारे बेहतरीन दोस्तों की सफ में आने वाले हमारे एक दोस्त। ये बिल्कुल भी हकीकत पसंद नहीं है और दिमाग से थोड़े हिले हुए हैं, यानी जोली टाइप बंदे हैं। इन्हें तो आप जानते होंगे, पर अगर आप नहीं जानते तो हमारी बात पे जरा सा मुलाहिजा फरमाइएगा। तो ये मेरे कॉलेज में पढ़ते थे। अबे नस्वार खान, प्रोजेक्टर चलाते, मुझे इंट्रो देना। जी साहब जी, हम चलाते हैं, अभी चलाते हैं। एक किस्सा, ये किस्सा है पाकिस्तान के एक छोटे से खूबसूरत शहर शेखुपुरा का। एक किस्सा, ये किस्सा है एक पुराने दोस्त का। हम कॉलेज के काफ़ी अरसे के बाद आज मिले हैं, लेकिन कैसे मिले हैं, लेकिन ये इत्तेफाक हुआ कैसे? क्या कर रहे हो नस्वार खान? सॉरी सॉरी साहब जी, वो हमसे गिर गया, प्रोजेक्टर गिर गया, हम चला रहा था ना। चले, इसका तो रोज़ का ड्रामा लगा रहना है, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। साहब जी बस मार दो ना, मार कसम आइंदा नहीं आएगा। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि सुबह सुबह फजर के वक्त मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज था उसामा भट्ट का। और हमारा प्लान बना नाश्ते का, लेकिन अब हमें आपस में वक्त गुजारने के लिए कोई अच्छी सी जगह चाहिए थी। तो हमारा अचानक प्लान बना और हम निकल गए अपने सफर पे। इतना लंबा सफ़र कैसे गुजर गया हमें पता भी नहीं चला, और इतने लंबे सफ़र के बाद हमें भूख लगी थी, तो नए शहर में कोई नाश्ते वाला ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर तुम शेखुपुरा आए तो सूफी चने वालों के चने तो ट्राई कर ही सकते हो। और खाने के बाद चाय इस तरह ज़रूरी है जिस तरह सूरज को रोशनी और दरिया को पानी। और ऐसा रिफ्रेशिंग नशा है चाय जो रूह को पुरसकूनी के साथ दोबारा जिंदा करता है। और जहाँ से हमने चाय पी वो ढाबा हिरन मीनार के थोड़ा सा पहले ही था, तो वहाँ से अब हम पहुँचे अपनी मंजिल पे। हम जरा आए थे शेखुपुरा वाली साइड पे और अभी हम हिरन मीनार के मिले। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ताला। ताला इसलिए लगा क्योंकि ये कह रहे हैं
काफी लोगों ने खुदकुशियां की हैं तो उन्होंने ताला लगा दिया। मैं भी खुदकुशी करने आया था तो उन्होंने ताला लगा दिया, अब तो मैं क्या करूं। ओके तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हिरन बना रहे हैं, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये तब बना था जब हिरन मरा था। ओके ये कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मुझे उठाया था और अभी तक मैं सोया नहीं। जर मैं बोलूं? हाँ बोल। ओके ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हिरन बना रहे हैं, मैं इसको 100 दफ़ा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इधर और कुछ है ही नहीं और हमें इतनी दूर इसको बनाने के लिए आए हैं। ओके ये मेरी कमज़ोर है, अभी भी पीछे मेरे हिरन बना रहे हैं, ठीक है। ओके तो मेरी हिस्ट्री तो काफ़ी वीक है इसलिए आप इससे काम चलाएं, इसे पढ़ें। बड़ा लिखा किधर होगा, यहाँ लिखा हुआ। हाँ दिल के शाहवी बदाम जहानदार खुदा गाह नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह। वैसे कहा गया भैया आपको हिरन मीनार की हिस्ट्री पता है? नहीं पता भाई, कभी नहीं पता। देखा तो हिरन मीनार तो कुछ भी नहीं है, अभी हम जाएंगे कुट खा के वापस, क्योंकि जिन भाई से हमने पूछा है वो हमें घूर घूर के देख रहे हैं। इससे पहले कि हमें कुट पड़े हमें इधर से निकलना चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस जगह आप जाओ वो बेशक इतनी खूबसूरत ना हो कि आपकी याद बन जाए, लेकिन वो लोग उस जगह को याद बना देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।